अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमें दिया हुआ है एन साइन ऑफ थीटा प्लस एन इन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल साइन ऑफ टू थीटा प्लस एन इन टू एन प्लस वन इन टू एन प्लस फोर टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल इन टू साइन ऑफ थ्री थीटा प्लस अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉस और साइन की सीरीज़ फाइंड बनाते हैं और फिर हम उसके बाद सी प्लस आयोटा एस फाइंड करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास साइन की सीरीज़ दी हुई है तो हम इसको एस लिख देते हैं। और अगर हम इसको एस लिख दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन साइन थीटा प्लस एन इन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल साइन। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, साइन ऑफ टू थीटा प्लस एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल साइन ऑफ थ्री थीटा प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने साइन की सीरीज़ लिख ली है तो अब हम कॉस की सीरीज़ लिखेंगे। तो कॉस की सीरीज़ के लिए हम देखेंगे कि ये हमारे पास थ्री थीटा है, ये हमारे पास टू थीटा है, ये वन थीटा है, तो जाहिर बात है ज़ीरो थीटा बनेगा। और जो कॉस ऑफ ज़ीरो होता है वो क्या बन जाता है, वन बन जाता है। तो हम लिखेंगे वन प्लस एन कॉज ऑफ थीटा, जहाँ जहाँ पे साइन आ रहा है वहाँ वहाँ पे हम कॉज लिख देंगे, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल कॉज ऑफ टू थीटा प्लस एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल कॉज ऑफ थ्री थीटा प्लस अप टू सो ऑन। तो अब हम इसके बाद सी प्लस आयोटा एस फाइंड करेंगे, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वन प्लस एन कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा एन साइन ऑफ थीटा। इन दो को कंबाइन कर लेंगे, फिर इन दो को कंबाइन कर लेंगे। जब हम इन दो को कंबाइन करेंगे तो जाहिर बात है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। और फिर हम क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ टू थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ टू थीटा एन अप टू सो ऑन। बल्कि अप टू सो ऑन नहीं, इसमें लास्ट टर्म हमें नहीं दी हुई, हमने यही लिखनी है। एन इंटू इन दो को कंबाइन करेंगे तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और साइन ऑफ थ्री थीटा प्लस अप टू सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज़ हमारे पास बन रही है, सही है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, वन अगर हम इन दोनों में से n कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन जाएगा, वो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है। और उसके बाद ये हम ऐसे लिख देंगे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल और कॉस ऑफ टू थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ टू थीटा हमारे पास बन जाता है ई रेज टू पावर टू आयोटा थीटा। और ये वाला हम ऐसे लिख देंगे, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल। और ये हमारे पास, ये जब हमने इनको कंबाइन किया तो ये हमारे पास बनता था कॉस ऑफ थ्री थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थ्री थीटा, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर थ्री आयोटा थीटा प्लस अप टू सो ऑन, सही है बच्चों? अब हमने ये गैस लगाना है, ये हमें देखना है कि ये वाली जो सीरीज़ है ये किसकी बनती है। वैसे तो ये देखने से पता चल रही है कि ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला बन रहा है, लेकिन बाइनोमियल सीरीज़ में हमारे पास पावर नेगेटिव में होनी चाहिए या हमारे पास फ्रैक्शन में होनी चाहिए, लेकिन इसकी पावर तो एन बन रही है और एन हमें बताया हुआ भी नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वैसे अगर ना बताया तो पॉजिटिव ही होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको हम ऐसा कर लेते हैं माइनस एन से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे बताए अगर हम इसको माइनस एन से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे तो हमें प्लस चाहिए, तो हम ऐसे कहेंगे ई रेस्ट पर आयोटा थीटा की जगह भी माइनस लगा देंगे और एन की जगह भी माइनस लगा देंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा वन प्लस माइनस एन और ये माइनस ई रेस्ट टू पार आयोटा थीटा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस एन, ये माइनस एन प्लस वन और ये हमारे पास बन जाएगा टू फैक्टोरियल ई रेस्ट टू पार ई के साथ भी हमने क्या लगाना है, माइनस लगा देना है, प्लस माइनस एन, माइनस एन प्लस वन, माइनस एन प्लस टू और डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल ई माइनस ई रेस टू पावर थ्री आयोटा प्लस अप। अगर हम यहाँ से माइनस खत्म कर लें तो ये स्टेप, ये दोनों स्टेप्स इक्वल आ जाएंगे। अब हमें देखने से पता चल रहा है कि ये हमारे पास सीरीज़ बन रही है वन माइनस
ई रेस टू पावर आयोटा थीटा और उसकी पावर माइनस एन की सीरीज बन रही है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये इसकी सीरीज़ बन रही है, हम इसको अब हमें इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वन माइनस कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा और उसकी पावर माइनस एन। ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेते हैं। इसको हम वन माइनस कॉज ऑफ थीटा और इसको हम माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा और उसकी पावर एन लिख सकते हैं बच्चों। सही है। अब हमने वन माइनस कॉज ऑफ थीटा को क्या करना है, हम इसको कोई एक टर्म बनाते हैं, तो हमें पता है कि जो साइन ऑफ थीटा बाई टू होता है वो किसके इक्वल होता है, वन माइनस कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई टू। ठीक है वन माइनस कॉज ऑफ थीटा, इधर से हम वन माइनस कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वो क्या बन जाएगी टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हमारे पास वन माइनस कॉज ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है और ये बताइए अगर ये हम वन माइनस कॉज ऑफ थीटा हाफ एंगल के इक्वल आ जाता है तो साइन थीटा को भी हम हाफ एंगल में लिख सकते हैं ना, और साइन थीटा का हाफ एंगल क्या बनता है टू साइन थीटा बाई टू कॉज ऑफ थीटा बाई टू, तो हम इसकी जगह ले लेते हैं वन माइनस कॉज ऑफ थीटा की जगह लिखेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और आयोटा ऐसे जाएगा साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे टू साइन ऑफ थीटा बाई टू कॉज ऑफ थीटा बाई टू और उसकी पावर माइनस है। ठीक है वन माइनस कॉज ऑफ थीटा को भी हमने रिप्लेस कर दिया और साइन थीटा को भी। अब हमें देखने से पता चल रहा है कि टू भी हमारे पास कॉमन आ रहा है और क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, टू कॉमन आ रहा है साइन थीटा बाई टू भी कॉमन आ रहा है। ठीक है तो टू और साइन थीटा बाई टू कॉमन लेके उसके ऊपर ये पावर भी लगा देते हैं और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बाई टू और माइनस आयोटा कॉज ऑफ थीटा बाई टू और उसकी पावर है। अब अगर हमने ये माइनस एन ख़त्म करना है, डिमोवरस थ्योरम लगाना है, तो आयोटा के साथ हमें साइन चाहिए और ये पहले वाली चीज़ हमें कॉस चाहिए, तो हमें ये वाली बात पता है ना कि कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉज साइन में चेंज जाएगा और ये साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है, और साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो ये देखो कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉज साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा से, तो जब बताए साइन की जगह कॉज आ जाएगा और यहाँ पे हमें साइन चाहिए, तो ये देखो ये कॉज ऑफ थीटा है, कॉज ऑफ थीटा की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है तो ये हमारे बन जाएगा टू साइन थीटा बाई टू और उसकी पावर माइनस एन। आगे हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे कॉज ऑफ पाई बाई टू, और जो इधर एंगल होता है वही इधर आता है ना, तो जो इधर एंगल होगा वही इधर आ जाएगा माइनस आयोटा, इस कॉज ऑफ थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू और इसकी पावर एन। अब ये कॉज ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, अब हम डिमोवरस थ्योरम लगा देंगे, माइनस एन इसके साथ भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस एन इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू साइन थीटा बाई टू और उसकी पावर माइनस एन। जब ये माइनस एन इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो कॉ जो होता है नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है तो सिर्फ एन आ जाएगा, तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ एन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा बाई टू, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा साइन। अब माइनस और इजाय बहता है जो साइन साइन में हमारे पास माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो बहता है माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आयोटा बन जाएगा प्लस आयोटा साइन और ये एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा बाई टू बन जाएगा। ठीक है अब हमें कौन सा पार्ट चाहिए, हमें चाहिए रियल पार्ट, हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए साइन वाली सीरीज चाहिए, तो हम कहेंगे इक्वेटिंग, ये सी प्लस आयोटा एस है, तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास एस किसके इक्वल आ जाएगा टू साइन थीटा बाई टू माइनस एन, ये वाली जो पार्ट होगा ये रियल है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है साइन ऑफ एन पाई बाई टू माइनस एन थीटा बाई टू।
सही है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, आंसर है।